नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मैं हूं आपके साथ अलाना खान। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सीबीगंज स्थित बैल कोलू ब्रांड तेल बनाने वाली बीएल एग्रो फैक्ट्री में जिस तरह 3 कर्मचारियों की जान गई, इस तरह के हादसे में अमूमन मुकदमा लिख जाता है, लेकिन बुधवार तक ऐसा नहीं हुआ, तब जबकि हादसे के लिए लापरवाही भी पकड़ में आ चुकी है। फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से स्वीकार कर लिया गया कि सेफ्टी टीम के मना करने के बावजूद ऑपरेटर ने टैंक की सफाई कराई और उसमें भी सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया। खैर, प्रशासन जांच कर रहा है। फॉरेंसिक टीम के बाद पुलिस श्रम उद्योग विभाग की रिपोर्ट आनी है। उससे पहले फैक्ट्री मालिक घनश्याम खंडेलवाल की तरफ से 24 लाख के मुआवजे की घोषणा करते हुए मृतक कर्मचारियों के परिजन को चेक दिए जाने की जानकारी मीडिया को दी है। अब इस बड़े मामले में प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। पहले की तरह एक और हादसा रफा दफा होगा या फिर शिकंजा कसेगा, ये प्रशासन के रुख पर निर्भर करेगा। बता दें कि बीएल एग्रो ऑयल और फूड की बड़ी कंपनी है। जौहरपुर में भी इसका एक प्लांट है। मंगलवार सुबह 3 मजदूर विजय, नीरज और यासीन टैंक की सफाई करने उतरे थे। काफी देर तक जब वो बाहर नहीं निकले तो 2 और मजदूर टैंक में उतरे। टैंक में उतरते ही उनका दम घुटने लगा तो वो चीखने लगे। वहां मौजूद अन्य मजदूरों ने उन्हें किसी तरह बाहर निकाला। फिर काफी मशक्कत के बाद टैंक में पहले उतरे 3 मजदूरों को बाहर निकाला तो वो तीनों बेहोश निकले। उन्हें SRMS मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान विजय, नीरज और यासीन की मौत हो गई, जबकि 2 और मजदूर टैंक में उतरे थे, इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है।